तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेरनी मूवी के बारे में, जिसे अमेजोन के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। और तकरीबन ये जो मूवी है वो 2 घंटे 10 मिनट इसकी लेंथ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अमित मशूरकर ने, और इसके अंदर कास्ट है विद्या बालन, विजय राज, नीरज का भी, ब्रिजेंद्र काला और भी काफी अच्छे कलाकार है। यानी कि आप इस मूवी की कहानी से इंप्रेस हो ना हो, लेकिन आप इस मूवी के कास्ट से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। तो अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली इस मूवी के अंदर एनिमल और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। अगर आप लोगों ने इस मूवी का अगर ट्रेलर देखा तो आप उस ट्रेलर से ही समझ जाएंगे कि इस मूवी में क्या होने वाला है। एक ऐसी जगह जहां पर इंसान और जानवर दोनों रहना चाहते हैं, दोनों के ही जंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। अब वो कैसे रह पाएंगे, ये सब चीजें इस मूवी के अंदर दिखाने की कोशिश की गई है। विद्या बालन इस मूवी के अंदर एक फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में नजर आएंगे। एक गांव में दिखाया गया है जिसके ऊपर जो शेरनी हमला कर देती है, वहां के लोगों को मारना शुरू कर देती है। तो विद्या बालन वहां पर जाकर लोगों से मिलती है और वहां पर शेरनी को पकड़ने के लिए वहां पर वो कोशिश करती हुई नजर आती है। मूवी को काफी ज्यादा रियलिस्टिक रखा गया है, जो अच्छी बात भी है, लेकिन इसके साथ साथ बुरी बात यह कि 2 घंटे तक इस मूवी को ऐसे देखना थोड़ा बहुत बोरिंग कर देता है। इस मूवी में जो मुझे अच्छा लगा वो ये कि इसके अंदर फॉरेस्ट विभाग का थोड़ा बहुत इसके अंदर काम दिखाया जाता है, थोड़ा बहुत दिखाया जाता है, ज्यादा कुछ नहीं है, डिटेलिंग इसके अंदर नहीं है। इस मूवी की सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगी वो इसके अंदर ना तो कोई सॉल्यूशन दिखाया गया, सॉल्यूशन छोड़ो इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी सही ढंग से नहीं दिखाया गया कि हाँ इंसान क्या एक शेर के इलाके में चले गए या इस शेर जो है वो भटकता हुआ इंसानों के इलाके में आ गए, उनसे कहां पर रहना चाहिए। मतलब इसमें जो चीजें वो क्लियरिफाई नहीं की गई है। बहुत सारी चीजें इस मूवी के अंदर ऐसी हैं आपको देखने को मिलेंगी जिसमें आपको लगेगा कि यार ये जो चीज है इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसका कोई सेंस नहीं, अगर ये ना भी होता तो ये मूवी ज्यादा अच्छी हो सकती थी, लेंथ कम हो सकती थी। इसके अंदर जो वन विभाग के जो अफसर इसके अंदर दिखाए गए वो इधर से उधर भागते हुए नजर आते हैं। मतलब बेसिकली आप देखो तो कि सही डायरेक्शन में मूवी जाती हुई आपको लगेगी नहीं। हाँ ठीक है, इसको जानबूझकर लंबा खींचा गया है। और जब ये मूवी का ट्रेलर मैंने देखा था तो मुझे लगा था कि जो विद्या बालन जी होंगी उनका जो किरदार होगा इस मूवी के अंदर काफी अच्छा होने वाला है, दमदार होने वाला है। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस उन्होंने काफी अच्छी की है, बाकी सब कलाकारों ने भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की है। लेकिन जैसा इस मूवी की कहानी है बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब इसके अंदर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, जो इसकी कमी है, जिसके कारण क्या है कि जो परफॉर्मेंस है वो भले ही दमदार हो लेकिन वो फीकी लगने लग जाते हैं। कुछ लोग शेरनी को पकड़ना चाहते हैं क्योंकि वो जानवरों की परवाह करते हैं, वो चाहते हैं कि इनका भी एक हक है। वो बेसिकली सही बात है कि भाई वो जानवर जो है वो इंसानों के इलाके में आ गया है, अब इंसान उसको मारना चाहते हैं क्योंकि उनको उससे डर लग रहा है। अब जो ये लोग वन विभाग वाले हैं वो शेरनी को पकड़कर कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि वो वहां पर अपनी जिंदगी जी सके, जो सही भी लगता है कि यार उसको भी अपना हक है अपनी जिंदगी जीने का। और इसके अलावा कुछ लोग शेरनी को मारना भी चाहते हैं, ये सब इसके अंदर दिखाए गए। अब इसके अंदर एक जो एंगल दिखाया गया वो एक पॉलिटिकल एंगल दिखाया गया है कि हाँ पॉलिटिशियन भी इसके अंदर इंक्लूडेड दिखाए गए। मुझे उसका कहीं पर भी कोई मतलब या फिर उसमें इस चीज को इन्वॉल्व करना है वो मुझे कहीं से भी सेटिस्फाई नहीं करती, कहीं से भी नहीं। क्या भाई यहां पर पॉलिटिक्स आपको ऐड करनी चाहिए थी तो इससे ये ज्यादा प्रभाव पड़ता, ऐसा कुछ भी नहीं था। सीरियसली मैंने कहा था कि अगर ये पॉलिटिक्स हटा देते तो फालतू की चीज है ये पॉलिटिक्स इसके अंदर दिखाने जाना, अगर ये पॉलिटिक्स साइड में हटा देते तो काफी ज्यादा अच्छी मूवी बन सकती थी। और जब ये मूवी का एंड होता है तो आप ये सोचोगे कि यार इस मूवी का मतलब क्या बनता है, तो सच कहूं कुछ भी मतलब नहीं बनता इस मूवी का। हाँ होता है ना कि मूवी के हमें एंटरटेनमेंट करने के पर्पज से थी या कोई मैसेज देने के पर्पज से थी, इसमें वैसा कुछ भी नजर नहीं आता, ना कोई सॉल्यूशन, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट से दिखाना, बस पॉलिटिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व कर देना, या फिर बेसिकली इसके अंदर ये दिखाने की कोशिश करना कि देखो जो पॉलिटिशियन है वो लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, वो जानवरों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, बस वो मरते जा रहे हैं, आपस में लड़ते जा रहे हैं, पॉलिटिशियन को अपने सिर्फ चुनाव से मतलब है, तो ये सब चीजें दिखाना। देखो इससे कोई भी इस मूवी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ना भी इससे कोई अच्छा मैसेज बाहर जाता है, तो मुझे ये थोड़ा कमजोर प्लॉट लगा मुझे इसका। वैसे जो चीजें इसके अंदर है वो फिर से मैं बता देता हूं कि इसके अंदर जो वन विभाग का काम दिखाया गया वो थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, इससे बेटर तो आप जाके अगर यूट्यूब पे कोई सर्च करेंगे तो उसके अंदर भी ज्यादा डिटेलिंग मिल जाएगी, लेकिन इसके अंदर डिटेलिंग नहीं है। इसके अंदर परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छी है क्योंकि कास्ट काफी ज्यादा अच्छा है इसमें। इसके अलावा इस मूवी में आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिलेगा, ना कोई सस्पेंस है, ना कोई डरावनापन है। जो शेरनी का जो मतलब इसके अंदर जो टाइगर जो शेर दिखाया गया वो लास्ट में थोड़ा बहुत आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाँ लास्ट में थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो जाओगे जिस तरीके का सीन इसके अंदर दिखाया गया, खैर वो चीज मैं नहीं बताने वाला हूं, जब आपकी मूवी देखोगे तभी समझ जाओगे। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 3 out of 10 स्टार क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा बोर करती है, 2 घंटे तक इस मूवी को देखना यार बहुत ज्यादा यार। खैर अगर किसी ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को इस मूवी में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो रिव्यू आप लोगों ने देख लिया तो आप खुद डिसाइड करिए कि आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।